हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मजा मा। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं अली बाग राइड पे। पता है छोटी सी राइड होगी, लेकिन भाई साहब अब गोप्रो लिया, इतना सारा खर्चा कर दिया, तो थोड़ी सी राइड तो मारनी ही पड़ेगी। तो चलो, मेरे अभी भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग साथ में निकलने वाले हैं अली बाग के लिए। तो आज शायद से हम ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। फाइनली मेरा सारे भाई आ चुके हैं। एक यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पूरा एक पीछे बैठा है, दो चल रहे हैं, वो यहाँ पे गाड़ी पे। जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग निकलने वाले हैं अभी अलीबाग और हम लोग का रूट स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अभी आपको बता दूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मोटो ब्लॉगिंग में कितना क्या शूट करने का। जैसे जैसे टाइम जाएगा मैं सीखता जाऊँगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे ये आ जाए, थोड़ा आगे जान दो, हाँ ये आ जाए, ये हमारा अक्षय। तो गाइस चलो, जैसे जैसे रूट जाते जाएगा मैं आपको सारा शूट करते रहूँगा। अभी मैं सोचता हूँ क्या क्या शूट करना है। देखो इनका मस्ती शुरू हो गया सबका। अभी कैसे बताया कि हम लोग जो यूजुअली रास्ते से जाते हैं अलीबाग वाला, वो आता है उस तरफ, लेकिन हम इस बार इस रास्ते से जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सीनरीज वगैरह बहुत अच्छी है। बस आपके वजह से हम लोग ने लॉन्ग रूट लिया है, क्योंकि यहाँ पे कैसा शूट करने के लिए बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे पूरा सीनरी आप देख सकते हैं, पर इससे भी अच्छी अच्छी आगे सीनरीज है। बस आपके लिए हमने इतना लॉन्ग कट लिया है, तो प्लीज़ गाइज एक लाइक तो बनता ही है। और अगर हाँ, पबजी कौन खेलता है, जॉर्जो पुल किसको पता होगा, तो ये है जॉर्जो पुल। ऑटो लगा, पबजी 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 का जॉर्जो पुल। तो गाइस ज़रूर से आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका जब भी लाइक आता है तो वीडियो का एक बूस्ट मिलता है, तो यूट्यूब को लगता है कि भाई हाँ इस वीडियो में कोई बात है, तो यूट्यूब खुद इसे बूस्ट करता है। ये देखो फुल ऐसा इतना खुश रहा है, इसके चेहरे पे इतनी खुशी उतनी नहीं थी जब उसको गर्लफ्रेंड मिली थी, उतनी अभी खुशी है कि जाके हम फोटो शूट करने वाले। देखो देखो देखो, शर्मा गया बेचारा, और ये दुखी आत्मा। ओ देखो, शांत से अपना गाड़ी चला रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, और ये फड़वा ये सबकी मार रहा है। देखो देखो, फटक से रिपेयर कर रहा है। यार मैं तो बोलता हूँ कि कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ ना मंथ में या वीकली या तो बोलते हैं ना मंथ में एक बार ऐसे ट्रिप्स पे आओ, आई प्रॉमिस तुम लोग को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब कहीं और से ज़्यादा, जैसे तुम फार्म हाउस जाते हो वो भी अलग ट्रिप हुआ, ऐसे ट्रेक के मतलब यहाँ पे कहीं घूमने जाते हो वो भी अलग ट्रिप हुआ। मतलब भाई सब जाके देखो यार, मज़ा आता है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत देर बाद हमें टेबल मिला है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और आएगा यहाँ पे, हाँ मैं मिलाना भूल गया था, ये अक्षय बीच का भाई, ये अजय बड़ा भाई। हे गाइस, अबे मोटा कौन है? हाँ वो का है क्या? मैं बोल रहा था ये बड़ा भाई, ये इसके नीचे का और मैं सबसे नीचे का। हाँ ठीक है, हाँ ये अक्षय है, ये जो सबसे ज़्यादा हंसता है वो आशीष, और ये दूसरा अजय गाइस। तो चलो हम लोग जल्दी खा के आपको मिलते हैं। भाई साहब पूरा पेट भर के खा लिया है, मतलब एकदम। हम लोग बोले टाइम तो कैसे तो बिताना ही है, 4 बज गए यहाँ पे, तो बोले 4 बजे तक बीच पहुँचना था, लेकिन अब बोले कि 1 घंटा बजा, हम लोग कुछ 3 या 3:15 को पहुँचे थे। तो मेरे दोस्तों का आइडिया देखो टाइम ख़त्म करने का, चलो खाते मजबूत खाते, पेट एकदम डुम डुम हो गया है। तो अभी सीधा मैं आपको ब्रिज पे जाके ही मिलता हूँ, ज़्यादा अभी बोर नहीं करूँगा। सो बाय।
नीचे आ जाएगा 5 मीटर। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी तो पार्क कर लियो, सब यहाँ पे खड़े, बस अभी देखना है कि जाना कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, आई थिंक 3 या 4 साल बाद आ रहा हूँ, तो देखते हैं। हम लोग बीच पे तो पहुंच गए, लेकिन बीच देखिए बस इतना सा ही है। लेकिन मतलब आप अलीबाग आ रहे हो ना, तो ये जो जेट्टी वाला जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ये जेट्टी पे। जेट्टी पे क्या होता है, मोस्टली जो लोग कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, थक जाते हैं वापस ड्राइव करने के लिए, वो लोग यहाँ पे बोट में अपनी कार या बाइक डाल सकते हो, यहाँ से उनको जहाँ पे जाना है, जैसे उरन जाना है, गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इतना बड़ा बीच तो नहीं है कि कुछ इन्जॉय कर पाए, कुछ कर पाए, और अभी भी टाइम हो चुका है, तो मुझे सनसेट का टाइम लैप्स निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। और भाई साहब ये सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए क्या, सुकून भरी ज़िंदगी इसको बोलते, एकदम फिरो घूमो फिरो ऐश करो और कुछ नहीं। चलो देखते हैं अभी और आगे का क्या प्लान बनता है। हमारा प्लान अभी का तो है कि हमें वहाँ पे जेट्टी पे जाना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मस्त वहाँ पे पूरा मरीन ड्राइव जैसा बैठने के लिए बना है, वहाँ पे जाना है। लेकिन वहाँ का क्या सीन है कि वहाँ पे 5:30 के बाद जा सकते हैं, जब बोर्डिंग बंद हो जाता है बोट्स का तब हम जा सकते हैं, तो देखते फाइनली हम लोग ने बहुत मज़े किए यहाँ पे पानी में। आप पैर देख सकते हो पूरे गीले हो चुके हैं, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या शूट करो, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। अभी जो मैं कल जाने वाला हूँ जहाँ पे जाने वाला आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, तो अभी आपको पता नहीं ये ब्लॉग कैसे लगा, पर मैं चाहता हूँ मुझे लगता होगा कि आपको अच्छा ही लगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो पक्का करना। और क्या बोलूँ मैं, बस थैंक यू सो मच। और व्यू देखिए आप, भाई साहब भाई व्यू एक नंबर लग रहा है, एक नंबर व्यू लग रहा है।